पीएम मोदी क्वाड लीडर समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए। आज रात पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। न्यूजर्सी में प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी। पांच कैबिनेट मंत्री भी साथ में लेंगे शपथ। शाम करीब 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को 21 सितंबर से दिल्ली का सीएम नियुक्त किया है। पांच मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है। सदस्यता अभियान को समीक्षा को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े सहित कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट का लालच देने का आरोप लगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी के प्रचार को लेकर बदली रणनीति। स्थानीय नेताओं के सहारे चुनाव लड़ने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने के दम की तेलंगाना के कांग्रेस विधायक वेदमा ने बिट्टू का सिर कलम करने वाले को 1 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का फिर बढ़ा बयान। कहा कांग्रेस 1984 सिखों के खून की प्यासी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंजाब सरकार से करीब 600 करोड़ का बकाया चुकाने को कहा। एक्स पर लिखा सीएम भगवंत मान पंजाब के हालात पर ध्यान देने की बजाय दिल्ली में पार्टी की जयकार करने में व्यस्त हैं। हरियाणा कांग्रेस का दलित चेहरा कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार से गायब होने पर सियासत हुई तेज। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद से कुमारी सैलजा गायब है। कुमारी सैलजा के गायब होने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा कांग्रेस के प्रति गुस्से में है दलित समाज। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा मामले में बीएसपी भी कूदी। आकाश आनंद बोले कुमारी सैलजा को बीएसपी में मिलेगा पूरा सम्मान, उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। कुमारी सैलजा के बीजेपी में आने पर मनोहर लाल ने कहा संभावनाएं टाली नहीं जा सकती हैं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। पूर्ण बहुमत से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूपी के कन्नौज रेपकांड में जांच पूरी। आरोपी नवाब यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कोर्ट में जल्द केस डायरी दाखिल करेगी पुलिस। 12 अगस्त को पुलिस ने नवाब यादव को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में आज रैलियों का दौरा। गृहमंत्री अमित शाह समेत उमर अब्दुल्ला खड़गे की आज ताबड़तोड़ रैलियां। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने गठित की कमेटियां। सुबोध कांत को बनाया कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष। केशव महतो को प्रदेश चुनाव समिति की जिम्मेदारी दी गई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल जेपीसी। कहा संशोधन के विरोध में बड़े पैमाने पर समुदाय का संदेश कमेटी के सौंपे। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने पहुंची बीएमसी टीम का विरोध। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बीएमसी की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। लोगों को समझाने की कोशिशें जारी। गुजरात के सूरत में ट्रेन पलटाने की साजिश का पर्दाफाश। कोसंबा जंक्शन के पास फिश प्लेट हटाने की सूचना के बाद ट्रेन रोकी गई। रांची में आज 5 घंटे सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के चलते इंटरनेट बंद रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से फैक्ट चेक यूनिट पर मोदी सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने आईटी नियमों में संशोधन को रद्द किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का ऑपरेशन है जारी। सुरक्षा बलों के घेरे में 2 आतंकी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर के हैं दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बड़ा हादसा। बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 जवान शहीद, 26 घायल हुए। तिरुपति में मंदिर के प्रसाद में चर्बी विवाद के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार। राज्य के बड़े मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता की जांच कराएगी भजनलाल सरकार। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। जमीन धंसने से देखते ही देखते गड्ढे में समा गया म्युनिसिपल का ट्रक। हिमाचल के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन। काटा गया मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन। अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार शुरू किया गया तितलियों का सर्वे। 2 दिन तक देशभर के विशेषज्ञ तितलियों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के ट्रेनिंग के दौरान मोटर फटने से 3 जवान घायल हो गए। फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है हादसा। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका की सेना ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। युद्ध अभ्यास में अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया। राजस्थान में लेपर्ड का कॉफ। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड ने एक और महिला को बनाया अपना शिकार। 36 घंटे में आदमखोर ने 3 लोगों को शिकार बनाया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से 1 बदमाश घायल। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। बिहार के खगड़िया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने टीमों को अलर्ट किया। राहत शिविर तैयार किए गए। यूपी के कासगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बिहार के दानापुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दानापुर के कई गांव तक पहुंचा है बाढ़ का पानी। बिहार के छपरा में गंगा और सरयू नदी की बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई है मुश्किलें। गांव तक पानी पहुंचाने से मुख्यालय से संपर्क टूटा। यूपी के जालौन में मलंगा नाले में आई बाढ़ से 500 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने बांटी राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के बैतूल से थाने में युवक को टॉर्चर करने का वीडियो हुआ वायरल। लड़के को खिड़की से बांधकर पीटते दिखे पुलिसकर्मी। यूपी की हरदोई पुलिस के एक कांस्टेबल की गुंडाई का वीडियो आया सामने। महिला पर किया जानलेवा हमला, परिवार को बुरी तरह से पीटा। यूपी के गाजीपुर में युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो आया सामने। सरेआम लोहे की रॉड और लाठियों से पीटते दिखे बदमाश।
मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों की फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाश घर के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को सीमा के करीब मिला बड़ा ड्रोन। पाकिस्तान से तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आरटीओ को रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद हटाया गया। विभाग ने शुरू की वायरल वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के सागर में बदमाशों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर की फायरिंग। सामने आया वारदात का सीसीटीवी फुटेज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम। चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन मजबूत स्थिति में भारत बांग्लादेश के खिलाफ 308 रनों की बढ़त। शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर डटे हुए हैं। भारतीय नौसेना का MQ-9A ड्रोन हादसे का शिकार हुआ। तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई के पास समंदर में ड्रोन के क्रैश होने की जानकारी मिली है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में की बड़ी स्ट्राइक। हमले में हिजबुल्ला के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्ला पर इसराइल के हमले हैं जारी। हिजबुल्ला के 150 रॉकेट्स को लॉन्च से पहले ही एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया। हमलों पर इसराइल का बयान। हिजबुल्ला के करीब 30 के करीब लॉन्चर्स और आतंकी ठिकाने नष्ट करने का दावा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हिजबुल्ला को बड़ी कीमत चुकानी होगी।